हेलो एवरीवन, सी शार्प डॉट नेट के इस लेक्चर में हम वर्चुअल फंक्शन एंड डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि एक फंक्शन को वर्चुअल करने की क्या नीड होती है। किसी फंक्शन को एक क्लास में वर्चुअल करने की नीड ये है कि जब हम सब क्लास को ओवरराइड सब क्लास में उस फंक्शन को रीडिफाइन करें, तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू जब मैं फंक्शन कॉल करूं, तो बाय डिफॉल्ट बेस क्लास वाला वर्जन ना कॉल होके सब क्लास वाला वर्जन कॉल हो। मतलब मैं चाहता हूं कि एक सब क्लास, एक सुपर क्लास बनाऊं और उस सुपर क्लास को सब क्लास में इनहेरिट करूं और उसके किसी फंक्शन को सब क्लास में ओवरराइड करूं। और जब सुपर क्लास के पॉइंटर के थ्रू मैं सब क्लास वाला फंक्शन कॉल करूंगा, तो बाय डिफॉल्ट सब क्लास वर्जन नहीं कॉल होगा बल्कि सुपर क्लास वर्जन कॉल होगा। तो अगर मुझे सुपर क्लास वाले वर्जन को ना कॉल करके सब क्लास वाले को कॉल करना है, तो मैं फंक्शन को क्या कर दूंगा, वर्चुअल कर दूंगा। कहां पर? सुपर क्लास में। तो इनसाइड ए सुपर क्लास ए फंक्शन इज मेड वर्चुअल, इनसाइड ए सुपर क्लास ए फंक्शन इज मेड वर्चुअल सो दैट by using super class object we can call different version of different subclass version of that function। hum super class ke object ka reference use karke different subclass wale version ko call kar paaye virtual function ke। matlab super mein to virtual hoga but subclass mein uski jo definition hogi wo wali definition call hoye। meaning jaise humne yahan pe dekhiye ek class save banayi hai, isko main yahan par maine class save banaya hai और सेप क्लास के अंदर एरिया फंक्शन को हमने वर्चुअल किया है। भाई सेप के कॉन्टेक्स्ट में एरिया की डेफिनेशन क्या हो सकती है? कुछ नहीं। अगर आप सेप के कॉन्टेक्स्ट में एरिया की डेफिनेशन देना चाहें तो आप क्या देंगे? अगर हम आपसे पूछें कि सेप क्लास का एरिया होता है, आप कहेंगे हाँ होता है, कैसे होता है आप नहीं बता पाओगे। हम भी नहीं बता पाएंगे सेप का एरिया। सर्किल का बता लेंगे, रेक्टेंगल का बता लेंगे, ट्रायंगल का बता लेंगे। यानी सेप के संदर्भ में एरिया की डेफिनेशन कुछ नहीं है, इसलिए मैंने सेप क्लास में एरिया को डिफाइन किया और लिख दिया क्या, नो डेफिनेशन, और इसको वर्चुअल कर दिया। वर्चुअल करने की नीड अभी आपको आगे समझ में आएगी। फिर मैंने सेप को इनहेरिट किया किसमें, सर्किल में। भाई सर्किल इज अ सेप, सर्किल में सेप की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब सर्किल सेप का चाइल्ड है। तो सर्किल ने सेप को इनहेरिट किया और सेप के एरिया फंक्शन को ओवरराइड किया। ओवरराइड इसलिए किया ताकि जब मैं सेप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू सर्किल क्लास वाले एरिया को कॉल करूं, सेप क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू एरिया को कॉल करूं, तो सर्किल वाला कॉल हो जाए। देखिए हमने यहाँ लिखा पब्लिक ओवरराइड वर्ड एरिया कंसोल डॉट राइट लाइन एरिया इज इक्वल टू दिस। फिर मैंने एक क्लास में और इनहेरिट किया, क्लास रेक्टेंगल, फिर सेप को इनहेरिट किया, ओवरराइड किया एरिया को। यहाँ पे एरिया की डेफिनेशन दिया एल इन टू बी। फिर क्लास ट्रायंगल, ट्रायंगल ने भी सेप को इनहेरिट किया और एरिया की डेफिनेशन दिया क्या, बी इन टू एच अपॉन टू, कुछ भी, ठीक है। फिर इसने एक मेन प्रोग्राम बनाया हमने और लिखा शेप S1 नाम का एक रेफरेंस बना शेप टाइप का। फिर हमें लिखा S1 इज इक्वल टू न्यू सर्किल। ध्यान रहे S1 में क्या है, S1 में नया सर्किल आया है, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बताया है सुपर क्लास का जो रेफरेंस है वो सब क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है। अगर सुपर क्लास का रेफरेंस सब क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, तो सर्किल इज अ व्हाट, सर्किल इज अ सब क्लास ऑफ सुपर क्लास शेप। तो सेप का जो रेफरेंस है वो सर्किल के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया। मैंने यहाँ लिखा S1 डॉट एरिया, तो जब S1 डॉट एरिया लिखा तो करेंटली S1 में किसका ऑब्जेक्ट है, सर्किल का है, तो S1 डॉट एरिया से कौन सा एरिया कॉल होगा, सर्किल वाला। फिर मैंने लिखा S1 बराबर न्यू रेक्टेंगल, अब असाइनमेंट चेंज हो गया, अब S1 में किसका ऑब्जेक्ट आ गया, रेक्टेंगल का। अब लिखा S1 डॉट एरिया तो कौन सा चलेगा, रेक्टेंगल वाला। अब आगे मैंने लिखा S1 बराबर न्यू ट्रायंगल, तो S1 में ट्रायंगल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आ गया, अब S1 डॉट एरिया लिखा तो ट्रायंगल वाला एरिया चलेगा। अब लिखा S1 इज इक्वल टू न्यू शेप, तो S1 में शेप आ गया, अब शेप डॉट S1 डॉट एरिया लिखेंगे तो शेप वाला एरिया चलेगा। लेकिन हाँ, अगर मैं शेप में एरिया को वर्चुअल ना करता, तो जितनी बार आप S1 डॉट एरिया लिखते उतनी बार शेप वाला एरिया कॉल हो जाता। क्यों? क्योंकि रेफरेंस किस टाइप का है, रेफरेंस शेप टाइप का है। तो बाई डिफॉल्ट जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फंक्शन को कॉल करता है, तो कंपाइलर उस फंक्शन की डेफिनेशन को उस क्लास में ढूंढता है जिस क्लास के रेफरेंस ने कॉल किया है। तो यहाँ पे किसने कॉल किया है, S1 डॉट एरिया को, यहाँ किसने कॉल किया है, S1 ने एरिया को कॉल किया है। और S1 किस टाइप का रेफरेंस है, सेप टाइप का है। अगर सेप में एरिया वर्चुअल ना होता तो बाई डिफॉल्ट कौन सा एरिया चलता, सेप वाला। लेकिन चूंकि सेप में एरिया वर्चुअल है, इसलिए कौन सा कॉल हो रहा है,
उस सब क्लास वाला जिसका ऑब्जेक्ट करेंटली S1 में होल्ड है, ओके उसी प्रकार से यहाँ पर भी S1 में किसका ऑब्जेक्ट होल्ड है, इस बार रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल वाला चलेगा। लेकिन हाँ, अगर शेप में एरिया वर्चुअल ना होता तो S1 डॉट एरिया लिखते, तो इस बार भी कौन सा चल जाता, शेप वाला। तो हम चाहते हैं कि बार बार सुपर क्लास वाला वर्जन ना कॉल हो बल्कि सब क्लास वाले वर्जन चले, इसलिए मैंने सुपर क्लास में एरिया को क्या कर दिया, वर्चुअल कर दिया। अब जब भी हम सुपर क्लास के रेफरेंस में जिस सब क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कराएंगे उस वाले सब क्लास का वर्जन एरिया का चलेगा, मतलब एरिया का कौन सा वर्जन चलेगा कि करेंटली S1 में किस वाले क्लास के ऑब्जेक्ट का, किस वाले क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड है। अगर S1 में करेंटली रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट होल्ड है तो रेक्टेंगल वाला एरिया चलेगा, S1 में करेंटली ट्रायंगल वाला ऑब्जेक्ट होल्ड है तो ट्रायंगल का एरिया चलेगा, S1 में करेंटली शेप वाला होल्ड है तो शेप वाला चलेगा। मतलब करेंटली S1 में किस क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड है इस चीज को देख के कंपाइलर निर्धारित करेगा कि कौन से वाले क्लास के फंक्शन को कॉल करें। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म आप देख सकते हैं, यहाँ भी लिखा गया S1 डॉट एरिया, यहाँ भी लिखा गया S1 डॉट एरिया, और यहाँ भी लिखा गया S1 डॉट एरिया। S1 डॉट एरिया ही लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है, और S1 डॉट एरिया हर बार नया नया फंक्शन कॉल कर दे रहा है। पहले सर्किल का कॉल कर दे रहा है, फिर रेक्टेंगल का, फिर ट्रायंगल का, ओके, फिर शेप का भी कॉल कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर पाए डायनेमिक, इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो असाइनमेंट होता है वो रन टाइम पे होता है। जो हमने लिखा ना S1 बराबर न्यू सर्किल, तो न्यू सर्किल रन टाइम पे बनेगा, कंपाइल टाइम पे नहीं। मतलब रन टाइम पे असाइनमेंट चेंज हो रहा है और रन टाइम पे कंपाइलर ये निर्धारित कर पा रहा है कि S1 डॉट एरिया से कौन सा वाला फंक्शन कॉल करें, सर्किल वाला, रेक्टेंगल वाला कि ट्रायंगल वाला, ओके। तो इसको हम लोग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं सी शार्प में। तो इस लेक्चर में आपको ये बातें समझ में आ गई। अगली क्लास में हम लोग अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेरी करें, हम आपको आंसर देंगे रिप्लाई में। इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे, थैंक यू।